मूवी के स्टार्टिंग में हम एक्सीडेंट का सीन देखते हैं जहां पर एक लड़की घायल होती है, उसे मारकर कोई भाग गया होता है। वहीं पर एक फादर बिशप होते हैं जो कि लोगों से उस किलर के बारे में पूछते हैं। फिर फादर उस किलर के पीछे लग जाते हैं, थोड़ी देर जाने के बाद उसे पकड़ लेते हैं और उसके पैर में की गोली मार देते हैं। तभी वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और फादर को पकड़ ले जाती है। अगले सीन में हम एक लेडी को देखते हैं जिसका नाम मेगडा होता है। वह मार्केट से कुछ सामान लाकर घर में रख रही होती है और इस घर की वह सर्वेंट होती है। यहीं पर एक ओल्ड लेडी होती है जो कार्ड खेल रही होती है। तभी उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है और वो मेगडा को बुलाने लगती है और वहाँ पर मेगडा आती है उसके पास और कहती है कि मुझे मदद करने दीजिए। तभी वो ओल्ड लेडी कहती है कि उसने दुनिया को चेतावनी दी लेकिन वो नहीं मानेगा, वो परीक्षण के लिए अंधे हो गए हैं लेकिन सिर्फ इसलिए कि कुछ छिपा हुआ है और इसका मतलब कि वो मौजूद नहीं है और उन लोगों ने मुझे चुना है। ये कहते ही लेडी चाकू से अपना गला काट लेती है और हम देखते हैं कि कुछ ब्लैक स्मोक जैसा उस लेडी में से निकल के मेगडा में ट्रांसफर हो गया है। फिर उसके घर पे पुलिस आती है और एक लेडी पुलिस ऑफिसर उस ओल्ड लेडी के बड़े बेटे पैट्रिक से पूछताछ कर रही होती है। पैट्रिक बताता है कि मेरी माँ को डिमोसिया था, शायद इसी के चलते उसने आत्महत्या की होगी। अगले सीन में हम मेगडा और उसके पास एक लड़की रेबिका को देखते हैं जहाँ पर रेबिका मेगडा को पीने के लिए पानी देती है। मेगडा पानी को पीने जाती है तभी उसके मुँह से खून की उल्टी होने लगती है। यह सब देख कर रेबिका उसे तुरंत वॉशरूम में ले जाती है और वहाँ से दूसरी तरफ जाती है जहाँ पर वो कुछ सिंबल को देखती है। इधर उल्टी करने के बाद देखती है कि उसकी आंखें ब्लैक हो गई है और वह जोर से चिल्लाती है। उसकी आवाज सुनकर रेबिका उसके पास आती है और पूछती है कि मेगडा तुम ठीक हो ना, जिस पर मेगडा कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हो। फिर वह रेबिका को मारने के लिए जाती है लेकिन रेबिका उसे वॉशरूम में ही बंद कर देती है। अगले सीन में हम फादर जोसेफ को देखते हैं, वो वहाँ के चर्च में जाते हैं जहाँ पर फादर बिशप उसे उस घर में हुए हादसे के बारे में बताते हैं और बताता है कि इस केस को आपको ही हैंडल करना है और उन्हें इस केस की जानकारी घर किसी सदस्य ने ही दी है और उन्हें चर्च की मदद चाहिए और तुम इस केस को सॉल्व करके ही आना है। फिर फादर जोसेफ अपने पत्नी की कब्र के पास जाते हैं जहाँ पर वो कुछ बात करते हैं और कहते हैं कि मैं जल्दी मिलूंगा। फिर वो वहाँ से उस घर पर जाते हैं जहाँ पर वो ओल्ड लेडी के दो बच्चे पैट्रिक और क्रिस्टीन होती है। पैट्रिक की एक बेटी रोज और क्रिस्टीन के दो रेबिका और निकोलस होते हैं। यहाँ पर वो फादर सभी से इंट्रोड्यूस करता है। फिर रेबिका फादर को उनका कमरा दिखाने के लिए जाती है जहाँ पर फादर रेबिका को बाइबल पढ़ने के लिए कहते हैं और कहते हैं हम जल्दी एक्सोसिज्म की प्रक्रिया शुरू करेंगे। अगले सीन में सभी लोग मेगडा के पास जाते हैं जहाँ पर फादर मेगडा के पास वही सिंबल देखते हैं और यह कैसा सिंबल होता है हमें वीडियो में आगे पता चलेगा। फिर यहीं पर फादर रेबिका को बाइबल पढ़ने के लिए कहते हैं। फिर रेबिका बाइबल पढ़ने लगती है जिससे मेगडा के शरीर में वह डीमन हंसने लगता है और कहता है कि आपको क्या लगता है कि भगवान आपको बचा लेगा, वो ऐसा ही करेगा जैसे उसने मेरे साथ किया था, तुम्हारा एक प्रेयर मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। फिर वह जोर जोर से हंसने लगती है तभी फादर उसे एक जोरदार थप्पड़ मारते हैं और उसे एक बेड पर ले जाकर बांध देते हैं। फिर फादर उसके कमरे को भी लॉक कर देते हैं और अपने कमरे में चले जाते हैं। इधर निक और रोज एक साथ होते हैं जो कि खेल रहे होते हैं। फिर रोज वहाँ से चली जाती है क्योंकि उसे नींद आ रही होती है। थोड़ी देर बाद निक को कुछ आवाज सुनाई देती है और वो देखने के लिए जाता है तभी उसके पीछे से कोई आकर उसे मार देता है और वो यहीं पर मारा जाता है। अगली सुबह सभी डाइनिंग टेबल पर नाश्ता करने के लिए आते हैं। यहीं पर फादर निक के बारे में रोज से पूछते हैं क्योंकि वो आखिरी बार रोज के ही साथ था। फिर रेबिका उसके फोन पर फोन करती है और फोन की रिंग इसी घर में बज रही होती है। फिर सभी उस रिंग को फॉलो करते करते निक को देखते हैं जहाँ पर निक मरा हुआ मिलता है। उसे देखकर क्रिस्टीन रोने लगती है। फिर यहीं पर पैट्रिक फादर पे गुस्सा होने लगता है क्योंकि उसे भूत प्रेत पे विश्वास नहीं होता है। फिर सभी मेगडा के रूम में जाते हैं जहाँ पर फादर को एक अंडरग्राउंड रास्ता भी मिलता है। तभी क्रिस्टीन मेगडा पर गुस्सा होने लगती है, उसे लगता है कि मेगडा ने ही निक को मारा है। फिर फादर किसी तरह मेगडा को फिर से बेड से बांध देते हैं और फादर सभी से कहते हैं कि कल हम एक्सोसिज्म करेंगे। अगले दिन सभी उसके कमरे में आते हैं जहाँ पर फादर कहते हैं कि मुझे अकेला छोड़ दो और मुझे एक सहायक चाहिए। इसके लिए रेबिका तैयार हो जाती है और उसकी माँ रेबिका के लिए चिंतित होती है और वो कहती है कि मैं पहले ही अपना एक बेटा खो चुकी हूँ, मैं तुम्हें नहीं खोना चाहती हूँ। रेबिका कहती है कि मुझे कुछ नहीं होगा। फिर रेबिका बाइबल पढ़ने लगती है और फादर क्रॉस से एक्सोसिज्म करने लगते हैं, इससे उस शैतान को दर्द होने लगता है। फिर फादर मेगडा के मुँह में होली वाटर डाल देते हैं और वो शैतान अपने असली रूप में आ जाता है। वो मेगडा के शरीर को छोड़ देता है लेकिन इसी बीच मेगडा मारी जाती है। फादर अपने साथ एक गन लाया होता है। इस बात से पैट्रिक खुश नहीं होता है, वो कहता है पहले निक मारा गया और अब ये मेगडा भी मारी गई। वो फादर को यहाँ से जाने के लिए कहता है लेकिन फादर कहते हैं कि अभी तक मेरा काम पूरा नहीं हुआ है। फिर इसी बात को लेकर दोनों में हाथापाई होने लगती है। फिर क्रिस्टीन उनके झगड़े को किसी तरह शांत कराती है। रात को पैट्रिक ड्रिंक कर रहा होता है तभी वहाँ पर फादर आते हैं और कहते हैं
हैं कि मैं ये गन अपने साथ अपने सेफ्टी के लिए रखता हूँ। दोनों में बातों के दौरान फिर से दोस्ती हो जाती है। फिर यहाँ पर फादर चले जाते हैं। रात को पैट्रिक एक लेटर लिखता है और उसे पैक करता है। तभी उसे बाहर किसी की आवाज सुनाई देती है। वह चेक करने के लिए जाता है, तभी उसके पीछे से कोई आता है, उस पर वार कर देता है। वह नकाब पहना होता है, वह पैट्रिक को मार देता है। इधर फादर को एक नाइटमेयर आता है जहाँ पर वह किसी को ड्रग देते हुए देखते हैं और वहाँ पर उसी शैतान को देखते हैं। तभी उनकी नींद खुल जाती है और वो बाहर जाकर देखते हैं कि पैट्रिक मारा गया है। यह सब देखकर क्रिस्टीन फादर पर गुस्सा करने लगती है कि जब से आप आए हैं तब से यहाँ पर खून ही हो रहा है, यहाँ पर एक एक करके लोग मर रहे हैं, तुम्हारे आने का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, और उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहती है। फिर फादर वहाँ से जाने लगते हैं तो उन्हें रेबिका एक लेटर देती है जो कि पैट्रिक ने लिखा होता है। वो फादर के लिए ही लेटर होता है। फिर फादर वहाँ से चले जाते हैं। रास्ते में उन्हें फादर बिशप का फोन आता है। फादर जोसेफ कहते हैं कि स्थिति गंभीर हो गई है, मेरी जांच को खारिज कर दिया गया है और मैं वापस आ रहा हूँ। जिस पर फादर बिशप कहते हैं कि तुम्हें यह काम बीच में अधूरा नहीं छोड़ना है, तुम जल्दी से वापस जा और काम को पूरा करो। फिर फादर पैट्रिक के उस लेटर को खोलते हैं जिसमें पैट्रिक बताता है कि मेरी पूरी जिंदगी एक झूठ में निकल गई, मेरी पत्नी खुद मेरी पत्नी नहीं थी और यह कहना उचित हुआ कि रोज भी मेरी बेटी नहीं है, और उसकी माँ ने पूरी जिंदगी भर मनमानी की है और उसे मैंने मनमानी करने दिया है और रोज भी अपनी जिंदगी जी रही है। मैं आपसे सिर्फ इतना चाहता हूँ कि वो क्या चाह रही है और आप इसका पता लगाइए इससे पहले कि देर न हो जाए। फिर यहीं पर फादर जोसेफ रोज की फोटो को देखते हैं जिसके पैर पर वही सिंबल होता है जो उस शैतान ने बनाया था। यह देखकर वह समझ जाते हैं कि वह आत्मा रोज की माँ की है। इधर घर में क्रिस्टीन पुलिस को पैट्रिक के बारे में झूठ बोल रही होती है और उसी वक्त वहाँ पर रेबिका आके उसकी बात सुन लेती है और पूछती है कि आपने पुलिस से झूठ क्यों बोला। फिर वहीं पर रोज भी आ जाती है। फिर क्रिस्टीन के मुंह से खून निकलने लगता है और यह सीन यहीं पर कट हो जाता है। फिर फादर अंदर जाते हैं तो उन्हें अंदर किसी डीमन का होने का महसूस होता है। फिर वो अंदर जाते हैं और देखते हैं कि रेबिका एक चेयर पर पड़ी हुई है और उसे खोलते हैं। तभी वहाँ पर क्रिस्टीन भी आ जाती है जिसके अंदर रोज की माँ ने कब्जा किया होता है। वह अपने सर को फर्श पे पीटने लगती है। फिर वो उन दोनों की तरफ बढ़ती है। दोनों वहाँ से भागने लगते हैं और उनके पीछे अपोजिट क्रिस्टीन भी पड़ जाती है। फिर फादर रेबिका को यहाँ से बाहर जाने के लिए कहते हैं। फिर वो वहाँ पर क्रिस्टीन भी आती है और फादर उसकी तरफ क्रॉस कर देते हैं और वो वहाँ से गायब हो जाती है। फिर फादर रेबिका के पास आते हैं जहाँ पर रोज ने उसे पकड़ लिया होता है और उस पर गन तान दी होती है और रोज बताती है कि पैट्रिक मेरे पिता नहीं थे, मैंने ही निक को मारा है और पैट्रिक को क्रिस्टीन ने मारा है और इस परिवार को मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। पैट्रिक की माँ मुझे इस प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं देना चाहती थी और मुझे इस प्रॉपर्टी में शामिल नहीं किया गया था, इसलिए मैं उसकी ओर मुड़ी अंधकार के स्वामी और वह मुझे सब कुछ देगा जो मैं चाहती हूँ। फिर रोज के अंदर वही शैतान आ जाता है और वो फादर के हाथ को पकड़ लेता है जिससे उनका क्रॉस गर्म होने लगता है। फिर रेबिका रोज पर गोली चला देती है लेकिन रोज को कुछ भी नहीं होता है। फिर वह रेबिका की तरफ बढ़ने लगती है। तभी फादर अपनी प्रेयर को चालू कर देता है और रेबिका भी बाइबल की प्रेयर पढ़ने लगती है जिससे उस शैतान को दर्द होने लगता है और वो रोज का बॉडी सोल्क बाहर निकल जाता है। लेकिन रोज भी यहीं पर मारी जाती है और यहाँ पर एक्सोसिज्म के दौरान फादर मूर्छित हो जाते हैं। अगले सीन में रेबिका और क्रिस्टीन एक चर्च में होते हैं जहाँ पर वो दोनों प्रेयर कर रहे होते हैं। फिर फादर अपनी पत्नी के कब्र के पास होता है, वहाँ पर रोज भी आती है और यह मूवी इसी के साथ खत्म हो जाती है।